अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? अच्छा भाई, वीकेंड था और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाहौर विजिट नहीं किया था, तो आज सोचा थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, लाहौर जाके कुछ खाने शाने भी इंजॉय कर लेंगे, तो निकला हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन जो उससे अच्छी या एक सोच मुझे आई है कि यार ये आप लोगों के साथ भी अपनी जर्नी शेयर करूँ। निकला हूँ ड्राइव पे, अभी तकरीबन घंटा डेढ़ ड्राइव कर चुका हूँ, आगे इंशाल्लाह जा रहे हैं, लाहौर पहुँचेंगे, वहाँ का विजिट कराएंगे आपको। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं लाहौर टोल प्लाज़ा, अभी घड़ी पे बज रहे हैं 5:16 शाम के, तो इरादा यही है कि हम जाएंगे सीधा रूम, थोड़ा फ्रेश होके रेस्ट करके हम निकलेंगे खाना खाने, एंजॉय करने, क्योंकि भाई अगेन 5 साल बाद आ रहा हूँ, तो लेट्स गो एंजॉय करते हैं। हम लोग मौजूद हैं पोइट रेस्टोरेंट में, ये वॉल्ट सिटी में आता है और ये इस टाइम लाहौर का ऑलमोस्ट नंबर वन रेस्टोरेंट जा रहा है। इनकी जो मेजर जो चीज़ें हैं ना, वो ये है कि अगर आप इनका मेन्यू भी देखें ना, तो ये सारा मुगलियाई, इनका कुजीन भी मुगलियाई है और इनका जो पानी है ये भी सारा बहावलपुर के जो कल्चर है ना उसको रिप्रजेंट करता है। जैसा कि एक मैं आपको शॉर्ट से ये दे दूँ, हिंट दे दूँ, इनका जो मेन्यू कार्ड है उसके ऊपर भी जो स्टार्टिंग है ना वो यहाँ से हो रही है, इश्क भी हो हिजाब में, हुसन भी हो हिजाब में, या तो खुद शिकार हो जाए या फिर मुझे शिकार कर। तो ये जो इनकी स्टार्टिंग है ना, ये बड़ी कमाल की है और ये सारे मुगलियाई कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने कुछ मेन्यू के नाम भी इस तरह रखे हैं कि जिस तरह जो सूप वाला मेन्यू है उसका नाम इन्होंने रखा था शोरबे, ठीक है, और जो ड्रिंक्स वाला मेन्यू है उसका नाम इन्होंने रखा है शराबे तुमरा, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, इनके इस तरह का मेन्यू हो गया, एम्बियंस हो गया, माहौल हो गया, बाथरूम तक, इन अदर वर्ड्स, वो सारा कुछ ना मुगलियाई कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जब भी कभी लाहौर आए इस रेस्टोरेंट को डेफिनेटली ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। ये जी, ये देखें, ये इनके शाही टुकड़े, जो इनकी डेजर्ट है, स्वीट डिश है, वो प्रेजेंट करने का आप स्टाइल देखें, फैबुलस। और इसकी लॉजिक जो है, आपने अपने अपने एंड से कमेंट्स में और अपने अपने स्टेटस में लाजमी मेंशन करनी है, जिसको इसकी जो भी लॉजिक और कमेंट्री समझ आई डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। ये ना बटेर है भाई, ये देसी है, फार्मी नहीं है। जो फार्म होता है तो फिर वो खाने के काबिल नहीं है, वो तो वैसे ही सिंपल सा है। अच्छा, और ये क्लियर है, ये क्लियर है, इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये किधर रखा जाता है? गर्म आ गया, देसी मुर्गा और बकरी के।